तो अभी देखिए हम बिल्कुल रेडी है, वो दोनों गिर चुके हैं। देखिए कासिम भाई राकिब भाई ने उन्हें गिरा दिया। तो अभी हम ऊपर से जो है बारिश आ रही है और मैं चलता हूँ इसके अंदर। 1 2 3 अपने कूद रहे टांगे सलामत है और कूद लेंगे कहीं और जाके। हजरत दिखा दो ऐसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RKZ ब्लॉग। हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो देखिए बारिश का मौसम हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हसीन मौसम हो रहा है। और ऐसे प्यारे प्यारे मौसम में हम जो है अभी जा रहे हैं ठाकुर द्वारा में, एक नया स्विमिंग पूल ओपन हुआ है वहाँ एंट्री करने के लिए। देखेंगे कैसा माहौल है, कैसा स्विमिंग पूल है, क्योंकि गर्मी का मौसम काफ़ी था, अभी बारिश होने लगी है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें मज़ा आएगा। तो ये जो स्विमिंग पूल है, जरा एड्रेस बता दो कहाँ पे है। के पास में जो हिंदुस्तान पेट्रोल पंप है उसके सामने से जो रोड जा रहा है ना, जो दुकानें बनी हुई है बीच में से जो रोड जा रहा है थोड़ा सा, उसी रोड पे जाकर लास्ट में जाकर जो है नहर के पास वाटर पार्क बना है, वो नहर के पास है। जैसे ही आप ठाकुर द्वारा से काशीपुर की तरफ जाएंगे, जैसे कासिम भाई ने बताया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास से जो है बिलाल मस्जिद से रास्ता जा रहा है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। और नया खुला है, देखते हैं हम कैसा एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पर, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिलहाल बारिश हो रही है, हम चलते हैं जल्दी से वाटर पार्क की तरफ और मिलते हैं आपसे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Guys, हम लोग आ चुके हैं जो ठाकुर द्वारा में नया स्विमिंग पूल ओपन हुआ है। तो आप देख रहे हैं पीछे, देखिए स्विमिंग पूल की बिल्डिंग है। तो अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। तो राकिब भाई आप बताएं, नया नया स्विमिंग पूल ओपन हुआ है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत बेहतरीन है बना हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें फुहारे वारे भी हैं, सारे भी है, ऊपर से बारिश की तरफ जो है फुहारा भी ला सकते हैं आप, बहुत सारी इसमें मतलब फंक्शन है, मतलब इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। अभी हाल फिलहाल में ही ओपन हुआ है, इसलिए सारी की सारी एक्टिविटीज़ अभी चालू नहीं हुई हैं, अभी अंदर जाकर हम आपको दिखाएंगे। और अगले साल तक काफ़ी ज़्यादा इसमें मज़ा आने वाला है। तो अगर आप भी ठाकुर द्वारा या आसपास के हैं तो इस नए स्विमिंग पूल में एक बार ज़रूर विजिट करें। और कासिम भाई जा रहे हैं, हमने अपनी गाड़ी को साइड में लगा दिया है और देखिए अभी हमने अंदर एंट्री कर दी है। और देखिए कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ का, अभी यहाँ पर काम जो है चल रहा है, तो इसलिए अभी देखिए कुछ इस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं। तो अंदर देखिए फुहारे वगैरह भी चल रहे हैं, गाने बहुत ज़ोर से बज रहे थे, तो राकिब भाई ने अभी गाने यहाँ पर हल्के कराए हैं। इधर आप देख रहे हैं सरदार चंगेजी एंड ब्रदर्स के नाम से ये स्विमिंग पूल ओपन हुआ है, तो इसमें अभी काफ़ी सारे काम होने बाकी हैं। तो अभी हम देखिए बगैर देरी किए हुए अभी स्विमिंग पूल में चलते हैं अपने कपड़े वगैरह उतारने के बाद, और बहुत सारी मस्ती आज आपको आने वाली है, चलिए ब्लॉग। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और देखिए यहाँ आने के बाद हमें एक रूल का पता लगा कि यहाँ पर स्विमिंग पूल के अंदर जाने से पहले हमें इन फुहारों के नीचे खड़ा होना होगा और नहाना होगा, वो इसलिए ताकि हमारे जिस्म पर अगर कोई गंदगी वगैरह लग रही है या फिर पसीना वगैरह हमें आ रहा है तो वो यहीं पर साफ़ हो जाए और स्विमिंग पूल के अंदर किसी भी तरह की कोई गंदगी ना जाने पाए, जिससे कि एक दूसरे को बीमारी ना फैल सके। तो चलिए इस रूल को फॉलो करते हुए हम जल्दी से यहाँ पर नहा लेते हैं और उसके बाद आपको लेकर चलते हैं स्विमिंग पूल के अंदर। वो दोनों गिर चुके हैं, देखिए कासिम भाई राकिब भाई ने उन्हें गिरा दिया। तो अभी हम अपने फोन को लेकर इसमें जाएंगे और बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, इसलिए बने रहिए ब्लॉग में। लास्ट कैसा लगा कासिम भाई, बताओ जल्दी बताओ कैसा पानी है? अभी पानी गर्म बता रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो नया पानी चलवाएंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं अंदर। 1 2 3 गाइस, हम लोग कूद चुके हैं इसमें, पानी तो काफी कम है लेकिन मजा आ रहा है। तो देखिए इधर देख रहे हैं, काफी मजा आ रहा है इसमें तो, क्योंकि बहुत बड़ा है, जो हम पिछले स्विमिंग पूल में गए थे श्री कृष्णा के सामने, इससे काफी ज्यादा बड़ा है। तो देखिए दोनों तो मस्ती करना शुरू हो गए हैं।
और हमारे जो बाबू है ना, तुम बाबू को जानते होगे, शायद नहीं जानते हो, वो पीछे ना रहे हैं बच्चों में। तो अभी देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत ज्यादा मजा आएगा इसमें। देखो अबे कैसे कैसे कर रहा हूँ, मार दिया तुम बैठो फिर कासिम भाई, देखो ऊपर कर लियो, हमारे बाबू भाग रहे हैं, देखो इधर से। अभी हम लोग के लिए और कहां से भाग के लिए पानी बहुत बढ़ रहा है, इसमें डूबने के लिए नहीं है, क्योंकि हम पिछली बार गए थे तो वहां फंस गए थे। हम जो है ट्यूब के सारे बना रहे थे कासिम भाई, लेकिन आज काफी मजा आ रहा है। तो देखिए अभी ऊपर से बारिश होने लगी है, कितना मजा आ रहा है। जा रहे हैं ऊपर से नीचे, चलिए जिया भाई चलेंगे पहले, जिया भाई चलो भैया मिलते हैं। तो अभी जा रहे हैं, देखिए ऊपर से हम नीचे छलांग मारेंगे, देखते हैं कितना मजा आता है। छोड़ना मौसम हो रहा है, बारिश पड़ रही है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हमने कूद रहे टांगे सलामत है और कूद लेंगे कहीं और जाके, हजरत दिखा दो ऐसे ही। तो काफी सारी मस्ती करने के बाद पुल में, और रागी भाई जो है थक चुके हैं, हम भी थक चुके हैं, और जिया भाई को जो है ठंड लगने लगी है, ये बाहर निकल गए हैं यहाँ से। मुझे तो जुकाम हो रहा था, मेरी रेड आ रही है पुल में, बिल्कुल झूठ बोल रहे सरासर। और पानी ना, और भाई जितनी बाहर का मौसम ठंडा आ रहा है, इतना पानी अंदर से गर्म हो, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार। तो देखिए दोस्तों अभी हम एक नई एक्टिविटी करने वाले हैं, सबसे पहले कासिम भाई रागी भाई कंधों पे बैठेंगे, फिर उन्हें पलटा देंगे पानी में, उसके बाद मैं बैठूंगा, फिर मैं ये मुझे पलटा देंगे, चलिए देखते हैं कितना मजा आता है इसमें। तो देखिए कासिम भाई चढ़ गए हैं, अभी तो ऐसा चढ़ा भी नहीं जा रहा है यहाँ पर कंधों पे, चलो तो चलो पहले मैं चढ़ता हूँ फिर देखते हैं ना। जिया भाई का नंबर आया भैया, हमसे चढ़ा नहीं गया इनके कंधों पर, और ये चढ़ गए जिया भाई। ये भैया भी नहीं नहीं चलो इस बार बदल जाए ज्यादा, ये हल्के फूल है बिल्कुल, आप देख सकते हैं हम तीनों लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अब है रागी भाई का नंबर और ये जिया भाई के कंधों पर चढ़ने वाले हैं अब, और फिर ये कुरानी मारेंगे मंदिर की तरह। देखो पहले देखते हो बाहर खुदा के पास, चलो ये तैरने वाली एक्टिविटी करने वाले हैं, एक साइड से दूसरी साइड हम जाएंगे, सिर्फ हम तीनों में से इस बंदे को तैरना आता है,
हम से तैरना नहीं आता है, पैरों से अपने धड़ा धड़ एक तरफ से जो है तैरना शुरू करेंगे और दूसरी तरफ जाएंगे, देखते हैं विनर कौन बनता है। मुझे उम्मीद है लास्ट में ही आऊंगा, हरम और जीत जाएंगे दोनों के दोनों, क्योंकि ऊपर से अभी हम कूदे थे तो कासिम भाई तो डर गए, हम दोनों जो कूद गए थे, मेरे भी थोड़ी चोट वोट लग गई, लेकिन कोई नहीं चलता है। चलिए अभी हम तैर के दिखाते हैं। देखिए आप, उधर कासिम भाई हैं, उधर रागी भाई हैं, ये दोनों जो है अभी उल्टा तैर रहे हैं और अभी देखिए ऊपर से जो है बारिश आ रही है और मैं चलता हूँ इसके अंदर। 1 2 3 क्या है बताओ, सच में यहाँ पे बिल्कुल बारिश जैसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि बिल्कुल बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, क्योंकि ऊपर से पानी ऐसा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत शानदार चल रहा है और मौसम भी ऐसा ही हो रहा है बारिश का, मौसम भी कसम से बिल्कुल अमेजिंग हो रहा है यार, मतलब कभी कभी जो है ऐसा मौसम हो जाता है कि लफ्जों में से बयान नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और इधर देखिए आप, अभी काफी सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा इंजॉय आएगा यहाँ पर जब इसका काम मुकम्मल हो जाएगा। और इधर देखिए यहाँ पर जो है एक पानी का झरने टाइप का बन रहा है, यहाँ से भी पानी बहा करेगा, तो अगर जब इसका काम पूरा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा इंजॉय आएगा यहाँ पर। देखिए आप देख रहे हैं कासिम भाई और रागिब भाई यहाँ पर फोटो भी क्लिक करा रहे हैं और मज़ा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि बारिश भी काफ़ी तेज होने लगी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अभी देखिए यहाँ पर जो है ये सीढ़ी लगाई है रागिब भाई के लिए क्योंकि लाइट जो है ख़राब हो गई है, अभी इन्हें जलानी है, तो अभी ये ऊपर जाएंगे और लाइट सही करके आएंगे। चलो भाई रागिब भाई, ज़रा इनकी लाइट सही कर दो। ये जो है ऑलराउंडर है, तो जो भी परेशानी आपके अगर ठाकुर द्वारे में कहीं भी लाइट वगैरह पानी बिजली की जो भी परेशानी डिश टीवी कनेक्शन वगैरह, तो आप एक बार संपर्क करें रागी भाई से। कासिम भाई सीढ़ी पकड़ रहे हैं और रागी भाई जो है अभी लाइट सही करवाएंगे। कुछ ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, बहुत ज़्यादा मस्ती की, हालांकि यहाँ पर अभी नया नया ओपन हुआ तो इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो इसलिए और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप बिल्कुल फ्री होकर यहाँ पर नहा सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर तक ये बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि अभी इन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया, थोड़ा काम वगैरह चल रहा है इसमें कंस्ट्रक्शन का और थोड़ा टाइम भी लगेगा इसको जो है चालू होने में। तो रागी भाई कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे आप अपना यहाँ का। इसमें सबसे अच्छा मुझे लगा वो बारिश की तरह जो उसमें नोजिल वगैरह चल रही है ना, बिल्कुल सेम बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बारिश में हम लोग खड़े हुए हों। तो बहरहाल कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अगर आप ठाकुर द्वारा के हैं आसपास के तो एक बार ज़रूर विजिट करें, बहुत ज़्यादा इन्जॉय आएगा आपको और ख़ासकर आपको गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। टिकट सिर्फ 50 रुपये का है, काफ़ी मुनासिब है, आप कितनी भी देर तक ना आए, और बच्चों के लिए 20 रुपये का है। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।